कोविड-19 महामारी से निपटने में डॉक्टरों के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी और नगर निगम के कर्मचारी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पंचकुला नगर निगम में कार्यरत सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले एक वर्ष से मॉर्चरी से शव को शमशान घाट ले जाकर उनका दाह संस्कार करने की उनकी ड्यूटी लगी हुई है। मेरे पिछले एक साल से ड्यूटी कोविड महामारी में लगी हुई है, जिसमें कि कोविड बॉडी का हॉस्पिटलों से ले जाके सेक्टर 28 शमशान घाट में संस्कार करते हैं। पंचकुला प्रशासन द्वारा कलाम एक्सप्रेस अक्षम बच्चों को विद्यालय से लाने व ले जाने के लिए शुरू की गई सेवा थी, परंतु कोविड महामारी के कारण इसे अब एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दिया गया है। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि वो काम करते हुए कोविड नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। मैंने हॉस्पिटल में सेवाएं दी, अब 2000 में मैंने अर्थक्वेक की सेवाएं एक महीना गुजरात में देकर आया, फिर मैं हॉस्पिटल में सेवाएं की। अब हमारा मन भी पूरा पक्का हो गया। ऐसी भावना से हम नहीं करते भी, जैसे कि महामारी से नहीं लड़ना, महामारी से हम लड़ेंगे। एम्बुलेंस ड्राइवर राकेश ने बताया कि हमें इस महामारी में अपना हौसला नहीं तोड़ना चाहिए और सभी को अपने परिवार की तरह ही समझना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। इसको देखते महामारी को देखते हुए हमने अपना मनोबल नहीं तोड़ना, क्योंकि मनोबल टूटेगा मैम कार्य नहीं होगा। अगर अपनों का डर मन में पैदा हो गया तो दूसरे की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी सेवा को देते हुए अपना मनोबल बढ़ाने के लिए अपना कार्य खुद अपनी जिम्मेवारी से करना पड़ता है। शवों को एम्बुलेंस में रखने वाले ओमपाल ने बताया कि वे सभी कोविड-19 नियमों का पालन कर यह कार्य कर रहे हैं। देखो जी, हम ये है जनता की सेवा करें इस टाइम। अच्छा, जो हमारा काम है अपना जो कर रहे हैं, अपने दस्ताने लगा लिए, कैप लगा लिया, अपना भी बचाव करना है, बच्चों का भी बचाव करना है, भाई दूसरे का बचाव करना है, इसमें